नमस्कार, मैं हूं दीपा डेसिला आर्टिस्ट। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज दिनांक 15/12/2023 को राई का भूली गांव गंगोली हाट में बाल मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो दिखाती हूं मैं, यहां पर हमारे 6 सदन बने हुए हैं 6 दिनों के। तो उन लोगों ने अपने अपने स्टॉल में जो स्थानीय उत्पाद है वो स्थानीय उत्पाद अपने अपने स्टॉल में लगा रखे हैं और उनके रेट तय कर रखे हैं। तो इससे क्या होता है, बाल मेला में ये भगत सिंह सदन के पास आप मैं ले जा रही हूँ। ये देखिए इनका स्टॉल दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए स्थानीय उत्पाद में सिट्रस फ्रूट्स ढेर सारे लेके आए हैं। इसमें माल्टा है, बड़ा नींबू है और जूस वगैरह लेके आए हैं। गुजिया भी इन्होंने बना रखा है। उसके बाद स्थानीय उत्पाद हल्दी, भांग, गहत और यहाँ पर सोयाबीन, गन्ना, ग्रीन वेजिटेबल और खाने के लिए इन्होंने ये सारा पानी का है, गोलगप्पे वगैरह यहाँ पर लेके आए हैं, तले हैं। और इससे क्या होता है, बच्चों में व्यावसायिकता बढ़ती है, आत्मनिर्भरता कैसे हो सकती है इसका विकास बच्चों में होगा। और अलग अलग ग्रुपों ने यहाँ पर इन्होंने सुंदर चित्रकारी भी की हुई है। यहाँ पे बच्चों ने ये देखिए, यहाँ पर गणेश जी और सरस्वती माता, यहाँ पर हमारी एक लड़की कला में निपुण है तो अपने कला का प्रदर्शन भी इन्होंने यहाँ पे किया है। कविता कक्षा 12, ये देखिए बहुत सुंदर ड्राइंग इन्होंने बना रखी है। हमारे यहाँ की संस्कृति उत्तराखंड का लोक पर्व भूतिया, ये देखिए यहाँ पर कैसे यहाँ पर वहाँ की संस्कृति, वहाँ के तीज त्योहारों पे इन्होंने सुंदर चित्रकारी की है। इसके अलावा अन्य भी ये ड्राइंग कर रखी है इन्होंने, स्केचेज बना रखी हैं। ये देखिए एक एक करके बहुत सुंदर अपने कला का प्रदर्शन इन्होंने किया है। एग्जीबिशन यहाँ पे लगा रखा है। ये देखिए ये हमारी घसियारी, ये इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। तो अब ये अपने स्टॉल पर अपना सामान बेच रहे हैं और अपने कला का प्रदर्शन के साथ साथ दूसरा आया हमारा महात्मा गांधी सदन। महात्मा गांधी सदन में देखिए आप, ये सारे सिट्रस फ्रूट लगे हैं। उसके बाद वेलकम के लिए इन्होंने अपने सामान ये सजा रखे। चकोतरा एक फ्रूट है, चकोतरा पाला ये नहीं है, यहाँ होगा नीचे। स्थानीय उत्पाद दाल है, ये अलग सा एक यहाँ पे एक से एक वैरायटी है। देखो ये पालक है, पालक नहीं पता कितना हुआ है, पालक है पालक नहीं पता चल रहा है, और है पालक और है ना पालक। उसके अलावा इन्होंने लिखा है ये रानी लक्ष्मीबाई सदन, इन्होंने लिखा है आइए आइए सस्ता और ताजा सामान ले जाइए। देखो किस प्रकार ग्राहक को यहाँ पर लुभाया जाता है, किस प्रकार ग्राहक को। तो ये इन्होंने अपना लिख कर आइए आइए सस्ता और ताज़ा सामान ले जाइए। तो इन्होंने एक अदरक भी, अदरक यहाँ पे है, यहाँ पे ये है और यहाँ पर मैडम खरीदारी कर रहे हैं, बच्चों से तोल भाव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन वेजिटेबल, ये माल्टा, यहाँ पर एक हमारे यहाँ एक बच्चे ने एक एक घर में एक के कॉटन होता है, तो कॉटन जो रुई प्योर उसका प्लांट से ये रुई लेके आए हैं बेचने के लिए। देखिए आत्मनिर्भरता कैसे होती है, इसका ज्ञान बच्चों में आएगा, आत्मविश्वास बच्चों में बढ़ता है। इससे साल में एक या दो बार जब हम यहाँ पे बाल मेला लगाते हैं तो बच्चों में
यहाँ पर ये देखिए अगला सदन है सुभाष चंद्र बोस सदन। यहाँ पर लहसुन है, ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यहाँ पे हैं। उसके अलावा ये देखिए जूस और शहद यहाँ पे बड़ा नींबू जिसमें चटनी बनाने के लिए चूक पकाकर बनाया है। ये है हमारे ऑरेंजेस, ये सारे फ्रूट, ये है चबूतरा बड़ा सा फ्रूट, डाले। अब अगला सदन देखते हैं उनका अपना क्या है। अगले सदन में हमारा देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सदन में हम देख रहे हैं। यहाँ पर अरबी है, धनिया और काची नींबू, ये हमारे पहाड़ी केले, संतरा और ये देखिए ये चकोतरा, बड़े बड़े चकोतरा, ये नींबू प्रजाति। इसके अलावा ये यहाँ भी ग्रीन वेजिटेबल कैबेज अलग से, ये देखिए स्थानीय उत्पाद। इस प्रकार से डॉक्टर APJ सदन ने अपना स्टॉल सजाया है। ये देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सदन दूर से बड़ा अट्रैक्टिव बना रखा है अपने स्टॉल को। ये अपने घर से कलाकारी का सामान लाके भी इन्होंने वॉल हैंगिंग टांग रखे हैं बैनर के दोनों ओर। अगला सदन हम दिखाते हैं, अगला सदन है और हर कोई चाहेगा पूछ रहा है, कोई डिमांड दे सकता है, मतलब कौन सा सदन डिमांड दे सकता है ना, डिमांड दे सकता है कि हमारे पास ये भी है। भाई सदन में भी देखिए अभी नहीं देखना है, ये अदरक डाल है, ये देखिए ये हमारे सिट्रस, यहाँ पर बड़े बड़े संतरे आए हैं ग्रीन वेजिटेबल इस प्रकार से, और ये यहाँ पर बहुत सुंदर स्टॉल सजा रखा है। ये देखिए अब ये स्टॉल के अन्य जो लोग हैं ये पाक क्रिया यहाँ पर कर रहे हैं। ये आप कौन से सदन के हैं, आप कौन से सदन के हैं, जीजाबाई सदन के, क्या बना रहे हैं आप? अच्छा मैगी पकौड़े, ये ऐसे डिश बना के अपने सदन में भेजेंगे। उसके बाद देखो ये पाक क्रिया का अनुभव इनको है और तला जा रहा है, भुना जा रहा है। आप कौन से सदन के हैं, आप बताइए कौन से सदन के हैं? भगत सिंह सदन के, क्या बना रहे हैं आप बताइए? ये स्पाइसेस कौन से सदन के हैं बताइए? भगत सिंह सदन के बन, ये देखिए भगत सिंह सदन में ये हमारे ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं, स्टफिंग कर रही हैं यहाँ पे, ये बेसन का रोल तैयार किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। और देखें आगे ये कौन से सदन के बच्चे हैं, ये कौन से सदन के बच्चे हैं, कौन से सदन के बच्चे हैं? APJ अब्दुल कलाम सदन। देखिए यहाँ पर ये बन रहे हैं पराठे, ये पराठे यहाँ पर आलू के पराठे बनाए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा। ये आप बताओ ये कौन से सदन के बच्चे हैं? सुभाष चंद्र बोस में आपका क्या बन रहा है? मछली, ये मछली तली जा रही है, ये खुशबूदार, ये आप क्या बना रहे हैं? गोलगप्पे तले जा रहे हैं। देखिए ये अलग अलग सदन में फिर बेचे जाएंगे ये खाने की सामग्री। आप क्या बना रहे हैं? चिप्स, आलू के चिप्स। कौन से सदन के, कौन से सदन के? महात्मा गांधी सदन। लाइक सब्सक्राइब करो बेटा, देखिए हमारे बच्चे भी कह रहे हैं करो सब्सक्राइब, लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए आप। आपको अगर हमारे बच्चों की प्रतिभा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो इस प्रकार से सारे उत्पाद स्थानीय हैं, सारे ऑर्गेनिक हैं। इस प्रकार बच्चों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और
बच्चों में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास होता है, तो ये भी एक एजुकेशन का एक हिस्सा है। आप कौन से सदन के हैं? आपके सदन में क्या बनाया जा रहा है बताइए। अच्छा, यहाँ भी हमारे गोलगप्पे यहाँ पे तले जा रहे हैं। और दूसरा क्या बना रहे हैं आप? ब्रेड पकौड़ा। हाँ, ब्रेड पकौड़ा यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, तो आज आपकी आपको क्या लगता है कि सब आपका माल बिक जाएगा आज, आपको ऐसा लगता है? हाँ ठीक है, आप टेस्टी बना रहे हैं तो आपका विश्वास है। ये देखिए, आप यहाँ पर क्या तैयार कर रहे हैं? ये आलू के लिए और ब्रेड पकौड़ा के लिए। अच्छा, ब्रेड पकौड़ा के लिए यहाँ पे सामग्री तैयार की जा रही है, प्याज कटी है और हरी मिर्च। तो इस प्रकार से देखिए, हमारे बच्चे साल में एक बार दो बार हम यहाँ पे जब बाल मेला का आयोजन करते हैं तो हमारे बच्चों में बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया जाता है। बढ़ चढ़कर हमारे बच्चे हमारे जो महीने के अंत में है इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, कभी सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं, कभी साइंस फेयर, साइंस फेस्टिवल, तो कुछ ना कुछ हमारे बच्चों में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर हर महीने के लास्ट में किया जाता है। आज हमने बाल मेला पहले लगा दिया आधे महीने में ही, क्योंकि अब धीरे धीरे फिर उसके बाद यूनिट टेस्ट हैं, फिर लास्ट में छुट्टियां भी हो जाएंगी, उससे पहले हमने फिर पढ़ाई का माहौल हो जाता है, तैयारियां हो जाती हैं, तो हमने पहले ही बाल मेले का आयोजन कर दिया और बच्चों में ये देखिए सब शॉपिंग कर रहे हैं और उत्साह के साथ बच्चे अपनी सामग्री को अपने अपने स्टॉलों में सेल कर रहे हैं। देखिए ग्राहक, देखिए ग्राहकों की भीड़, टीचर्स और भी हमारे अभिभावक लोग आए हैं। अभी धीरे धीरे खाने के स्टॉल भी लगेंगे तो उस समय और भीड़ दिखाई देगी, तो ये सारे तो इससे बच्चों में हमारे चहुर्मुखी विकास के लिए कुछ न कुछ हम यहाँ पर आयोजन करते रहते हैं और बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। भविष्य में एक दिन बच्चों को अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, तो ये अनुभव भी बच्चों का लाभदायक रहेगा बच्चों के लिए, तो अपने जीवन में भी याद करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने एक झलक यहाँ की दिखाई, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए आयोजन के साथ। अंत में आप सभी का धन्यवाद, गुड बाय।